सर्वे में दो मदरसे मिले बंद। मौदहा हमीरपुर सरकार की गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता की श्रेणी में लाने की सरकार की मंशा के चलते मंगलवार को कस्बे के 3 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें 2 मदरसे बंद पाए गए, जबकि सर्वे में पात्र पाए जाने वाले मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है, जिसके चलते सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी आख्या अक्टूबर के पहले सप्ताह सरकार तक पहुंचाने की आशा है। मंगलवार की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल, SDM सुरेंद्र कुमार सहित अन्य सदस्यों की कमेटी ने कस्बे को मदरसा हजरत अब्दुल्ला कादर जिलानी रहकर सर्वे किया, जिसमें मदरसे का नाम मदरसा संचालित करने वाली संस्था, मदरसे का स्थापना वर्ष, मदरसा निजी या किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, छात्रों के लिए बिजली पानी शौचालय फर्नीचर, छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, मदरसे का पाठ्यक्रम, मदरसे की आय के साधन, साथ ही क्या मदरसा के छात्र अन्य संस्थाओं में भी अध्ययन कर रहे हैं सहित अन्य बिंदुओं की जांच की गई। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि सरकार की मंशा के चलते हम मदरसों का सर्वे कर रहे हैं और आज जनपद में पहले मदरसे का सर्वे किया है, जिसमें 97 बच्चे पढ़ते हैं जो अधिकांश बाहर से हैं, लेकिन इनके अध्यापक भी बाहर के हैं। मदरसा सन 2010 से चल रहा है, लेकिन कभी भी इनके द्वारा मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया गया। जो अभी मैंने बताया था कि जो स्कूल हमारे यहाँ मुंसलिक है, जिस स्कूल से हमने बात की है, तो हम उसको 5वीं की 8वीं की मान्यता वहाँ से दिलवा देते हैं, उसके बाद वो 9वीं में दाखिला किसी स्कूल में जाके ले लेता है और अपनी पूरी तालीम वहाँ मुकम्मल कर लेता है। बताइए, दो जगह पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या होता यहीं पढ़ के अपना नीट और आज शासन के आदेशानुसार जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी जाँच करने के लिए मैं आया हूँ। ये जनपद का पहला मदरसा जिसमें मैंने जांच की है, आज मेहता साहब ने मेरे साथ SDM मोहदा सर थे, जो भी जांच करके निकल गए हैं। किस तरह की जांच हो रही है, क्या जो कहीं से भी अफिलेटेड नहीं है, ना तो कहीं भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, ना CBSE से है, या फिर मदरसा शिक्षा परिषद से कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसों की आज जाँच थी। सर, आज इस मदरसे में क्या पाया गया? मैंने पाया कि यहाँ पर 97 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें कुछ बच्चे लखनऊ बहराइच के बाहर के भी हैं, एक टीचर भी बाहर के हैं, और ये मदरसा 2010 से संचालित है, लेकिन इनके द्वारा कभी भी मान्यता लेने का प्रयास नहीं किया गया, ना इनकी मान्यता है, तो जो बच्चों की शिक्षा का अधिकार है उससे ये लोग वंचित कर रहे हैं बच्चों को। संवाददाता हर्षित गुप्ता।